नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नए वीडियो में। मेरा नाम है तेजस। अगर यहाँ पे आपका बजट 12 से 15 जो के रेंज में है, तो यहाँ पे जो ये दो स्मार्टफोन निकल के आ जाते हैं, एक है वीवो का T2X 5G और दूसरा जो है ये ओप्पो का A59 5G आ जाता है। प्राइस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 4GB 128GB वाले वेरियंट के अंदर दोनों भी फोन के अंदर जो ये लगभग 3000 रुपए का डिफरेंस दिया है। वीवो का जो फोन आ जाता है यहाँ पे 11999 में, ओप्पो के अंदर दिया है 14999 में। 3000 रुपए के डिफरेंस के अंदर यहाँ पे कौन सा इनसे बेटर है वो आज हम यहाँ पे देखते हैं, ओप्पो का या वीवो का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बैक साइड में अगर देखते हैं तो ये दोनों भी फोन जो है आपको डुअल रियर कैमरा और फ्लैश लाइट के सेटअप के साथ में दिया है। बैक स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वीवो के अंदर जो ये मैट फिनिश के अंदर दिया है वीवो के अंदर, और ओप्पो के अंदर थोड़ा सा ग्लास डिजाइन के अंदर दिया है ग्लॉसी फिनिश के साथ में। दोनों भी फोन अगर देखेंगे तो बॉक्स डिजाइन के साथ में आ जाते हैं। वेट और थिकनेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वीवो के अंदर वेट दिया है 184 ग्राम का, ओप्पो का वेट आ जाता है 187 ग्राम। दोनों भी फोन के अंदर थिकनेस सेम दिया है 8.1 mm की। इन हैंड फीलिंग अगर देखेंगे तो दोनों भी फोन की इन हैंड फीलिंग भी यहाँ पे काफी कम्फर्ट देखने को मिल जाती है। डीजे की साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक और हेडफोन जैक। इस साइड में आपको वैल्यूम अप डाउन की दी है ओप्पो में, और अपोजिट साइड में अगर देखते हैं तो दोनों भी फोन के अंदर पावर की दी है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में, और वैल्यूम अप डाउन की वीवो में इसी साइड में आ जाती है। सेकेंडरी माइक भी दिया है यहाँ पे वीवो के अंदर। पहले यहाँ पे बैटरी और कैमरे की अगर बात करेंगे तो बैटरी तो यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर सेम दी है जो कि 5000 mAh की आ जाती है। चार्जर के अंदर थोड़ा डिफरेंस दिया है, वीवो के अंदर आपको चार्जर मिल जाता है 18W का, ओप्पो के अंदर दिया है 33W का। कैमरा जो ये फ्रंट कैमरा तो दोनों भी फोन के अंदर सेम दिया है 8 MP। बैक कैमरे के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, 13+2 का कैमरा दिया है ओप्पो में, वीवो के अंदर आ जाता है 50+2 MP। वैसे कैमरे के अंदर अगर देखते हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर दिया है, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, ये दोनों भी फोन के अंदर आ जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है HD और फुल HD के अंदर ही कर सकते हैं आप, 4K के अंदर दोनों भी फोन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इमेजेस क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इमेजेस क्वालिटी जो है ये कलर सैचुरेशन, शार्पनेस अगर देखेंगे तो यहाँ पे वीवो के अंदर थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है। वैसे आप एक एक करके इमेजेस भी चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इमेजेस जो ये इंडोर के अंदर हमने क्लिक की है, कुछ इमेजेस जो ये आउटडोर के अंदर क्लिक की है, लेकिन इमेजेस क्वालिटी ज्यादा अगर देखेंगे तो वीवो की थोड़ी बेटर है ओप्पो के मुकाबले अगर देखेंगे तो। वही अगर बैक कैमरे की बात करते हैं तो बैक कैमरे में भी यहाँ पे वीवो की कैमरा क्वालिटी अच्छी आ जाती है। कलर डिटेलिंग और शार्पनेस अगर देखेंगे तो ज़्यादा इमेजेस जो ये वीवो के अंदर ही अच्छी दी है। कुछ इमेजेस के अंदर ओप्पो का भी हैंडसेट अच्छा आ जाता है, लेकिन नॉइज जो है थोड़ा हल्का सा देखने को मिलता है यहाँ पे T2X के मुकाबले अगर देखेंगे तो। प्रोसेसर जो ये सेम दिया है दोनों भी फोन के अंदर, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 का ऑक्टोकोर प्रोसेसर आ जाता है 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ में। दोनों भी फोन जो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रैम टाइप LPDDR4X के साथ में, और एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट जो ये भी दोनों भी फोन के अंदर दिया है। सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिल जाता है। फेस अनलॉक, पैटर्न, पिन, पासवर्ड जैसे जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पे दिए है। डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो डिस्प्ले जो ये दोनों भी फोन के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन के साथ में आ जाते हैं, और यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर स्क्रीन साइज की अगर बात करते हैं वीवो के अंदर आपको मिल जाता है 6.58 inches का, ओप्पो के अंदर दिया है 6.56 inches। IPS LCD दी है, रिजोल्यूशन जो ये वीवो के अंदर फुल HD प्लस का मिल जाता है, ओप्पो के अंदर जो ये सिर्फ HD प्लस का दिया है। टच क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेटर और स्मूथ टच क्वालिटी जो ये ओप्पो के अंदर देखने को मिल जाती है वीवो के मुकाबले अगर देखेंगे तो। 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया है, और यहाँ पे ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो ब्राइटनेस की क्वालिटी दोनों भी फोन के अंदर अच्छी दी है, जिससे आपको आउटडोर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइस जो ये पहले मैंने बता दी थी आपको, जैसे वीवो का हैंडसेट 4128 वाला 12000 रुपए में दिया है, और ओप्पो का जो हैंडसेट आपको मिल जाता है 1500 रुपए में।
प्राइस के हिसाब से अगर देखेंगे तो वीवो का हेडसेट काफी अच्छा देखने को मिल जाता है कम प्राइस रेंज में अगर देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले फुल एचडी प्लस के अंदर आ जाता है। साथ ही यहाँ पे कैमरा क्वालिटी जो ये बेटर दी है और प्राइस में भी 3,000 रुपये कम आ जाता है। ओप्पो की अगर बात करेंगे तो ओप्पो में कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दी है जितनी वीवो में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट के अंदर चार्जिंग की जो स्पीड है वो अच्छी दी है। यहाँ पे कैमरा और कम प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर देखेंगे तो वीवो का T2X काफी अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे जो ये वीवो में और एक वेरिएंट मिल जाता है 6128 जो कि 1,300 रुपये में आ जाता है और 8128 भी आ जाता है। ऐसे दो तीन अलग अलग वेरिएंट मिली है। ओप्पो के अंदर भी 6128 और 4128 ऐसे दो वेरिएंट आ जाते हैं, लेकिन कम प्राइस रेंज में वीवो का इसे थोड़ा बेटर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।